पाकिस्तान को आपके हाथों में देना है। कायदे आजम हमारे बड़े जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनका क्या किरदार था? क्या कायदे आजम पर किसी ने इल्जाम लगाया एक रुपए की करप्शन का? क्या अल्लामा इकबाल पर किसी ने एक रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया? देवरा रेल्डर्स एक दफा गवर्नर जनरल हाउस के लिए कुछ फर्नीचर खरीदा गया, कायदे आजम वो द गवर्नर जनरल मोहतरमा फातिमा जिना अपनी बहन साथ रहती हैं, कुछ फर्नीचर आया तो उसमें से लिस्ट चेक की और उसमें देखा कि एक कुर्सी फालतू है। पूछा ये कुर्सी किसने मंगवाई है? कहा गया कि ये आपकी बहन मोहतरमा फातिमा जिना है। उसके पैसे काट दिए और कहा कि इसके पैसे फातिमा जिना से लो, मुसलमानों के पैसों में से ये नहीं अदा की जाएगी। क्या इसकी कोई असली अशीर भी मिसाल दे सकता है इस कैरेक्टर की, इस ऑनर की? हमारे एक वफाकी वजीर ने 2 माह के दौरान 4,58,833 रुपए का पेट्रोल खर्च किया था, जबकि एक वजीर की चाय का 2 दिन का बिल 26,000 रुपए आया था। अब आते हैं नाज़रीन उस सवाल की तरफ कि एक वजीर कौम को कितने में पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक वजीर पर कौम के सालाना 6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आप 6 करोड़ की इस रकम को 92 से जरब देकर देख लें, आपके सारे तबक रोशन हो जाएंगे। और ये किस मुल्क के वज़रा है? ये एक ऐसे मुल्क के वज़रा है जिसमें आम शहरी की सेहत पर सालाना यानी 12 माह में 194 रुपए, जबकि तालीम पर सालाना 145 रुपए खर्च होते हैं। In the Quran, hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan? Is there any other reward for good other than good? If you don't do good, how do you think you're going to expect good? पॉलिसीज की बात हो रही थी, मैं इनकी इनएफिशिएंसी और इनकी करप्शन की आपको बात बताऊं कि पिछले साल पूरे मीडिया ने पाकिस्तान के, क्योंकि मीडिया के ऊपर ब्लेम आ रहा है ना कि हम लोग खामखा में बोलते रहते हैं, पूरे मीडिया ने पॉइंट आउट किया कि सितंबर 30 को इंडिया ने चुनाव का पानी रोक लिया। 2 महीने तक हम सुनते रहे कि जरदारी साहब खत लिखेंगे जी मनमोहन को, जरदारी साहब को वो डाकिया नहीं मिला जिसने खत पोस्ट करना था जाके सरदारी। अब 2 महीने आपका क्रिटिकल पानी जो है, 2 महीने आपका क्रिटिकल पानी जो है वो खत्म रहा, आपकी खरीफ की फसल उड़ गई। उसके बाद उन्होंने गन्ने की फसल के लिए रिलीज करा दिया क्योंकि अपनी शुगर मिले इन्वॉल्व थी और गरीब का खून था उसमें। बात ये कि लोग फाकों से मर रहे हैं। इट्स वेरी इजी फॉर यू एंड मी टू सिट ओवर हियर एंड रैशनलाइज कि देखें पढ़ी लिखी वाली बातें करें, पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर। आपके हालत ये हो गई आपके मुल्क की कि पंजाब, पंजाब का मतलब क्या है? 5 दरिया वाला। एंड अब यू हैव टू टेक, ये कहां है बोतल? मैं आई वांट टू सी इट। हर आदमी पंजाब में पानी की बोतल लेके पीता है।
आपके पास फ्रेश वाटर नहीं है, 2.5 करोड़ लोग हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है पंजाब में, आपने फसलों को कहां से देना? ये हमें कह रहे हैं रैशनलाइज करें हम, पीपल आर डाइंग, यू वांट अस टू बी रैशनल? कर्जा जांच उन्होंने दे ये वो मियां नवाज शरीफ साहब का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 123 हल्के में उन्होंने अपने सारे जमा कराए थे, जो 33 लाख रुपए रोजाना खर्चा करते हैं भोपाल से। यह है पाकिस्तानी सियासत, टैक्स कितना जमा कराया 2004-05 में कोई नहीं, अगर आप आसिफ जरदारी साहब का टैक्स देखें तो शायद 30 या 40 हजार में उनका टैक्स जमा हो। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज कैसे बनती है, ये इससे बिटवाते सियासतदान, ये पार्टी के हेड है इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूँ। और हमने पिछले 30 वर्षों से 1 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे का कोई सिक्का नहीं देखा, क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ये सिक्के जारी ही नहीं कर रहा। लेकिन आप हुकूमत का कमाल देखिए कि हुकूमत जब भी पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत में इजाफा करती है तो इसमें रुपयों के साथ साथ पैसे जरूर शामिल कर दिए जाते हैं। मतलब आप कल के इजाफे ही को ले लीजिए, हुकूमत ने कल पेट्रोल की कीमत में 5.92 रुपए इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 62.13 रुपए, हाई स्पीड डीजल की कीमत 62.65 रुपए और लाइट डीजल की कीमत 54.94 रुपए हो गई। अब सवाल यह है कि मुल्क में जब पैसे का सिक्का ही मौजूद नहीं, तो जब कोई शख्स 1 लीटर पेट्रोल डलवाएगा तो क्या पंप का कैशियर उसे 87 पैसे वापस करेगा? यकीन नहीं करेगा। चाहे उसे लाजमत 62 की जगह 63 रुपए अदा करना पड़ेंगे। अब आप मजीद दिलचस्प सूरत हाल भी मुलाहजा कीजिए कि पाकिस्तान में रोजाना 3,20,000 बैरल पेट्रोल फरोख्त होता है और इसे अगर हम लीटर्स में कैलकुलेट करें तो ये 5,08,80,000 लीटर बनते हैं। अब अगर पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनियां हर लीटर पर 87 पैसे उड़ाना शुरू कर दें तो ये 4,42,65,000 रुपए रोजाना बनते हैं। अब हम अगर इस रकम को महीनों महीनों को बरसों और बरसों को 30 साल से जरब दे दें तो ये रकम कितनी बनेगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। सवाल ये नाज़रीन, ये रकम कहां जा रही है, इसका फायदा कौन उठा रहा है? और जब मुल्क में पैसे का सिक्का ही मौजूद नहीं तो हुकूमत सिक्कों को मायार बनाकर कीमतों में इजाफा क्यों करती है? हम अगर इस सवाल का जवाब तलाश करें तो मुझे यकीन है कि यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। If we want to change the direction of this society, if we want to affect this society, we have to first reform ourselves.